सोलन में पानी की समस्या विकराल रूप लेती जा रही है। बरसात के दिनों में भी सोलनवासी प्यासे नजर आ रहे हैं। सोलन में भी पानी की समस्या शिमला की तरह ही विकट स्थिति में पहुंचती जा रही है। लोग शुरुआती तौर पर ये मान रहे हैं कि जल्द ही पानी की समस्या खत्म हो जाएगी, लेकिन ये समस्या समय के साथ साथ कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही है, जिसकी वजह से लोगों का सब्र का बांध अब पूरी तरह से टूटता नजर आ रहा है। लकड़ बाजार एसोसिएशन ने एडीएम सोलन को पानी की किल्लत को लेकर ज्ञापन सौंपा और पानी की समस्या को हल करने का आग्रह किया। लकड़ बाजार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि बरसात के दिनों में जहां नदी नालों में प्रचुर मात्रा में पानी उपलब्ध है, लेकिन नगर परिषद के टैंक खाली पड़े हैं। शहरवासियों को 7 दिनों तक पानी नहीं मिल रहा है, जिसके चलते उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए आज उन्होंने एडीएम सोलन को ज्ञापन सौंपकर उनसे आग्रह किया है कि वह पानी की समस्या को जल्द से जल्द हल करें और शहरवासियों को पानी उपलब्ध करवाया जाए। सोलन शहर में लोग पानी की बूंद बूंद के लिए आजकल जो है तरस रहे हैं। शहर में जो है पानी की व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। नगर परिषद भी जो है पानी वितरित करने में जो है कहीं पानी आ रहा है तो हर तीसरे चौथे दिन आ रहा है, कहीं पानी नहीं आ रहा है तो 6 दिन भी 7 दिन भी नहीं आ रहा है। आज इन्हीं पानी की समस्याओं को लेकर जो है लक्कड़ बाजार एसोसिएशन एडीएम सोलन जी से मिले हैं और पानी की समस्याओं को लेकर जो है अपनी मांग रखी है। साथ ही हमने उन्हें ये भी कहा है कि शहर में और पेयजल टैंक बनाए जाएं, जिससे बेहतर जो है वो पानी की समस्या हो सके और सोलन शहर के लोग जो है वो पानी के लिए ना तरसें। बड़े दुख की बात है, बरसात के मौसम में जहाँ चारों तरफ पानी पानी बिखरा है, वहाँ सोलन की जनता पानी की बूंद बूंद को तरस रही है। और जब इसका विषय नगर परिषद या आईपीएच ऑफिस में उठाया जाता है तो ये दोनों विभाग इसका ठीकरा एक दूसरे के ऊपर फोड़ते रहते हैं। बड़े दुख की बात है कि इतने बड़े शहर, एशिया की नंबर 1 ग्रोइंग सिटी सोलन के अंदर इंसान आज पानी को तरसने को विवश है। और हमने एडीएम साहब को भी ये कहा है कि सोलन के अंदर कम से कम 2 या 3 टैंकों का निर्माण और होना चाहिए। जिस तरह से सोलन की जनसंख्या बढ़ रही है, उसी तरह से सुविधाओं को भी बढ़ाना चाहिए। इसलिए आज पूरा लक्कड़ बाजार एसोसिएशन, हर लक्कड़ बाजार का व्यापारी आज पानी की समस्या को लेकर एडीएम साहब के पास पहुँचा है।